हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है अब आपके टोटल तीन सेक्शन होते हैं सेक्शन ए जिसमें टोटल टेन क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको सेवन क्वेश्चन अटेंड करने हैं इसके बाद आता है सेक्शन बी सेक्शन बी के टू पार्ट्स होते हैं फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपकी आती हैं स्टैंड जो कि आती हैं तीन और सेकंड पार्ट है जो उसमें आपके चार क्वेश्चंस आते हैं टोटल सेक्शन बी में सात क्वेश्चंस हो जाते हैं तीन स्टैंडा और चार क्वेश्चंस इसी तरीके से बाद में आता है सेक्शन सी सेक्शन सी में क्या है कि चार क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटेंड करना होता है सेक्शन बी में क्या होता है कि जो आपके सात क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है कि तीन स्टैंडा और चार क्वेश्चन होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एक स्टैंडा और दो क्वेश्चन करने हैं या फिर दो स्टैंड और एक क्वेश्चन का आंसर करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है एंड इसके साथ ही अब आप क्या पढ़ो तो देखो यहाँ पर क्या कि टोटल फाइव यूनिट्स हैं जिसमें से आप कोई भी तीन यूनिट्स यूनिट है जो वो अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपको जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है अगर आप स्टार्टिंग की तीन यूनिट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि जो सेक्शन ए है जिसमें दस क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो इसके साथ ही जो सेक्शन बी है उसमें क्या होता है कि जो स्टैंड आ रही हैं एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आपने ये कर लिया तो नॉर्मल सी बात है कि जो स्टैंडर है वो भी आपके प्रोज से ही रिलेटेड आएंगी एंड जो क्वेश्चन हैं जो चार हैं उसमें से क्या है कि तीन क्वेश्चन आपके प्रोज से ही रिलेटेड आएंगे एक क्वेश्चन है जो वो आपका जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इससे रिलेटेड आएगा तो अगर आप ये जो स्टार्टिंग के प्रोज हैं थोड़े से अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो ये भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और जो सेक्शन सी है उसमें क्या होता है कि चार क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से दो क्वेश्चन आपको प्रोज में से देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में से देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आएगा तो यहाँ पर मेन बात आपके लिए यही है कि आपको लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लिटेरी टर्म्स आपको बस इतना ही पढ़ना है कि आप दो या तीन तीन लाइन है जो वो आप अच्छे तरीके से लिख सको क्योंकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें एक या दो क्वेश्चन लिटेरी टर्म में से आ जाते हैं और जितने भी पेपर है उसमें क्या है कि अगर आप ये स्टार्टिंग के तीन यूनिट्स अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से आ सकता है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप स्टार्टिंग के जो तीन यूनिट्स हैं वो अच्छे तरीके से कर लो क्योंकि इसमें भी क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपको इन क्रोज की समरी पता है तब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको पूरी समरी ही लिखनी है क्वेश्चन भले ही वो कुछ भी पूछे अगर आप समरी लिख रहे हो तो आपका आंसर करेक्ट ही करेक्ट है ठीक है तो मेरी एडवाइस यही है कि आप तीन यूनिट्स कर लो क्योंकि अगर आप फोर्थ यूनिट भी करते हो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तो इसमें भी क्या है कि आपको मेन तो यही है कि आपको एक तो समरी पढ़नी पड़ेगी जब आपने समरी पढ़ ली तो जो भी इसके मेन करेक्टर्स हैं एक या दो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन टाइटल या थीम रिलेटेड बनता है तब भी आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा तो इतना ज़्यादा लोड लेने की बजाय अगर आप स्टार्टिंग की कर लोगे तो वो आपके लिए इजी होगा क्योंकि अगर आप यूनिट थर्ड को देखते हो तो उसमें तीन जो प्रोज हैं द गिफ्ट ऑफ मेजाई डॉक्टर हिडगर्स एक्सपेरिमेंट एंड अ रोज फॉर इमली ये तीनों ही प्रोज एक स्टोरी है अगर आपने स्टोरी अच्छे तरीके से पढ़ ली है तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद जो स्टार्टिंग के फाइव हैं जिसमें से थर्ड थॉट है जो वो भी ईजी है वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो एंड ये जो ओन सुपर स्टेशन है ये तो बिल्कुल ही इजी है नॉर्मल सी बात अंधविश्वासों पर है जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडियन जो सोसाइटी है वहाँ पर होते ही हैं बिल्ली रास्ता काटेगी कभी छीक किसी ने मार दी तो आपको नहीं जाना है थोड़ी देर आपको रुकना है अगर किसी ने पीछे से बुला लिया तो आपको थोड़ी देर वेट करना है कोई भी काम करने नहीं जाना तो ये सभी तो सुपरस्टेशंस है वहाँ पर आप अपना भी थोड़े बहुत लिखाओगे थॉट्स वगैरह तो भी चल जाएगा बच्चे क्या तीन कौन कौन से क्रोज हैं ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बींग यंग इसमें क्या होता है कि जनरेटर हैं उन्होंने बताया है कि जो एडवांस एज होती है जो ओल्ड एज होती है इसके भी बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं क्योंकि इस एज में इंसान को बहुत सारे एक्सपीरियंसिस वगैरह होते हैं इस एज में जो इंसान है जिन बातों पर वो अपने यंग एज में थॉट पर विचार नहीं कर पाया था जिन बातों पर उन पर अब वो विचार करने लग जाता है उनकी क्या अहमियत है उन्हें समझने लग जाता है ये सब बताया गया है सिलेक्टेड स्नोबेरीज हैं जो इसका क्वेश्चन आपको ये जो करवाया गया है वीडियो के थ्रू वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया गया है क्योंकि इसमें क्या है कि जो आप आंसर लिखोगे वो पॉइंट्स में लिखोगे इससे क्या होगा कि जो आपका आंसर है वो इफ़ेक्टिव बनेगा ठीक है तो मेरी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि आप स्टार्टिंग के जो तीन यूनिट्स हैं वो अच्छे तरीके से कवर कर लो तो इससे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे स्टैंडर्स भी आपकी हो जाएंगी और जो पार्ट बी सेक्शन बी में पार्ट सेकंड है जो वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और सेक्शन सी भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा आगे आपकी इच्छा है मेन बात यही है कि आपको पांच यूनिट में से कोई भी तीन यूनिट्स अच्छे तरीके से करनी है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी करनी है So thank you friends for watching my video. Thank you.